हेलो, मैं नरेंद्र कुमार होती NN न्यूज। जैसे आप देख रहे हैं कि छोटी काशी में चौथा सोमवार को लेकर भूतनाथ की भीड़, आप देख सकते हैं कि इसमें एक बजा है, एक के दौरान भीड़ को देखने में तो कुछ मिला, लेकिन सुबह से इतनी भीड़ नहीं थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रशासन अपने हिसाब से लगा है। इधर दिखा दीजिए। और मैं आपको बता दूं कि अब किस भूतनाथ की भीड़ हमें हमारे समझ में कुछ कम आ रही है, जैसे आप देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अब एक बजे के दौरान भीड़ कुछ चालू हुई है और यहां पर सुरक्षा को लेकर भी दिखाया गया है। और मेरे सामने आप चौराहे का मैं नज़ारा दिखा रहा हूं। और हमको प्रशासन ने जिस हिसाब से 5 लाख का दावा किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता छोटी काशी में 5 लाख यात्री अभी आया हो। शिव भक्त अभी आप देख सकते हैं मैं सिनेमा रोड पे खड़ा हूँ और शिव भक्त के लोगों ने यहाँ पे भूतनाथ पे भंडारा करवाया। मैं इन्हीं लोगों से पूछता हूँ कि आप सावन में भंडारा करवा रहे, क्या कहना चाहते हैं भंडारे के विषय में हर भूतनाथ को? हमारा कहना यह है कि बोला बाबा भोलेनाथ बड़ा दयालु हैं गोला के। ये भूतनाथ सावन के आखिरी सोमवार को पड़ता है और इस तारीख को बहुत दूर दूर से लोग भक्त आते हैं और हम उनकी सेवा करते हैं। जैसे आप क्या बताना चाहते हैं भूतनाथ के मेले में? भूतनाथ के मेले में शंकर भोलेनाथ बाबा की कृपा बहुत बड़ी है, उसके लिए जैसे हम लोग कृपा बहुत बड़ी है। यहीं पर हमारे अध्यापक जी हैं जो बेचारे सेवा प्रदान कर रहे हैं, लंगर चला रहे हैं भूतनाथ के लागो। क्या कहना चाहते हैं आप? ये पावन शंकर जी का जो मेला चलता है सावन के महीने में, यहाँ वैसे तो 10,000 मेले भंडारे में चलते हैं और जिस हिसाब से हम लोग अपनी क्षमता के अनुसार सावन में आए हुए अपने जो भक्त लोग हैं उनकी अपनी क्षमता के अनुसार सेवा जो कर सकते हैं वो करते हैं। जी अभी आप देख सकते हैं भंडारे में क्या बना था, आप देख भी सकते हैं पूरी सब्जी अभी लगता है मुझे खत्म भी हो गई है। नहीं है, अभी आ रहा है। अच्छा आप देख सकते हैं। और भी आप क्या कहना चाहते हैं? हर हर महादेव। और एक नारा भी हो जाए। हाँ, हर हर महादेव। देखिए छोटी काशी में कितने श्रद्धालु, आप क्या कहना चाहते हैं? बोले बाबा हर हर महादेव।
अभी आपको मैं बता दूं, मैं इसमें भूतनाथ गेट को क्रॉस कर चुका हूं। एनएन न्यूज की टीम यहां पे भूतनाथ के गेट पर एंट्री कर चुके हैं। जैसे आप देख रहे हैं प्रशासन भी लगा है, और मैं इन्हीं से पूछता हूं कि श्रद्धालु की कितनी गिनती रही होगी इसमें, आप बता सकते हैं इसमें कितना श्रद्धालु आया होगा? अब मैडम से पूछिए आप, हम लोग तो लगे तभी आपको अनुमान होगा, कुछ 5 लाख की बात हुई थी। 5 लाख से तो कम है, 5 लाख से कम है, लेकिन हाँ 3 लाख। यहाँ पर प्रशासन का भी मानना है 5 लाख से कम है, क्योंकि दावा था कि यहाँ पर यात्री जो आएगा सिर्फ भक्त 5 लाख आएगा, लेकिन अभी तक 5 लाख की कोई सूचना नहीं है। भीड़ अभी जो बढ़ी है वो 1:30-2 बजे से बढ़ी है। मैं इसमें तिलोगिरी मंदिर में खड़ा हूँ, और आपको बता दो भूतनाथ की विशेषता ऐसी है कि आदमी लाखों श्रद्धालु होता है आता है यहाँ पे, और मैं तिलोगिरी के आपको दर्शन करवा रहा हूँ। और आपको बता दें, थोड़ा आप मंदिर होते हुए चलते हैं, ये बहुत प्राचीन मंदिर है, मैं यहाँ भी आपको लेके जाना चाहता हूँ। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से? कुआं से। आप देखते हैं मैं इसमें तिलोकगिरी बाबा के स्थान पे हूँ, और जहाँ मैं भूतनाथ बाबा की बात बता रहा हूँ कि प्राचीन समय में रावण जो था वो शिवलिंग को उठाकर, और रावण ने 12 साल तपस्या की थी कि हम आपको लेके जाएंगे, और इसी के आधार पर आगे कितना साल पुराना मंदिर है? यह बहुत पुराना है, तिलोकीनाथ बाबा का, तिलोकगिर बाबा का जिंदा समाधि का बहुत पुराना है, प्राचीन समय। हाँ प्राचीन समय, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं भूतनाथ बाबा की महिमा। कहाँ से आए हैं? बांकेगंज। बांकेगंज, बांकेगंज। क्या कहना चाहते हैं? अरे लोगों सही भंडारा चल रहा है, देखिए यहाँ पे भंडारा भी चल रहा है, काफी श्रद्धालु भंडारा भी करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर विराजित हैं क्योंकि छोटी काशी में भूतनाथ का मेला बहुत प्रसिद्ध है, बहुत दूर दूर से आते हैं। और कहाँ से आते हैं आप? ऊंची बोर्ड से। अच्छा अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं देखे काफी श्रद्धालु खाना खा रहे हैं, और मैं आपको बता दूं भूतनाथ बाबा की काफी विशेषता है, और काफी दूर दूर से लोग आते हैं। और यहाँ पर पंडित जी हैं, और ये हनुमान जी का दरबार है, और मैं इनसे पूछता हूँ पहुँच ही जाओ। कितना साल पुराना मंदिर है? कितना साल पुराना मंदिर है? ये एक बहुत पुराना मंदिर है, बहुत पुराना, ये कम से कम 300-350 साल पुराना है। क्या इससे भूतनाथ से लिंक है? हाँ लिंक है, हाँ लिंक है। इसका ये नवनाथ है अपने गोला में, वो नवनाथ है जिला खीरी में, तो नवनाथ में 3 नाथ अपने गोला में है, समझे रहना, और टेढ़े नाथ वहाँ हैं, हैं, और जंगली नाथ, ये ऐसे 9 नाथ हैं। तो हम 5 नाथों का इतनी जल्दी नाम बता सकते हैं कि मेला चल रहा है, ठीक है। और आगे नाथ का जो है टेढ़े बाबा, वो भी है इसी में। आपको बता दें इन्होंने पंडित जी ने बताया जो टेढ़े नाथ और जो तिलोगिरी में ये सब है, और कुछ शिवलिंग 5 बताए हुए हैं। Oh, my God.
अभी मैं भूतनाथ मेला में खड़ा हूँ और भूतनाथ की मैं एंट्री करना चाह रहा हूँ और यहाँ पे दरोगा साहब है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अभी तक कितनी भीड़। आइए दरोगा साहब। राहुल जी, कितनी भीड़ है? काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग आए हुए हैं। कितना लगभग? सुबह से 3 बजे से लगे हैं हम यहाँ पे। कितना लगभग होगा आदमी? लगभग हो गया होगा 50-60 हज़ार। देखिए, यहाँ राहुल जी ने बताया है 50-60 हज़ार आदमी होगा और मैं मंदिर की एंट्री कर चुका हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग समथिंग 50-60 हज़ार की भीड़ है। और आपको बता दो, ये भूतनाथ का इतना प्रसिद्ध मंदिर है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि रावण ने तपस्या की थी 12 साल और तब शंकर जी खुश हुए थे और वहाँ से वो शिवलिंग लेके वहाँ से निकले थे। और लेकिन हाँ, शंकर जी ने अपनी शर्त रखी थी कि अगर तुम मुझे कहीं भी बिठार दोगे तो मैं वहाँ से हटूंगा ना। तो रावण ने उस बात को कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। आप देख सकते हैं, ये वही छोटी काशी है। और आपको बता दूँ, आप कहाँ से हैं? मदनुआपुर अमेलिया कोटी। आप से? मदनुआपुर। देखिए, काफ़ी दूर दूर से आए हैं और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर क्या है। आप देखते हैं, ये वही मंदिर है जहाँ पर रावण शिवलिंग को लाया था। इसे भूतनाथ के मंदिर से जाना जाता है और मैं आपको वो भी मंदिर के दर्शन करवाना चाहता हूँ। और जब उन्होंने शर्त इस चीज़ को मानी, रावण ने और शंकर जी के बीच में जो शर्त थी, उसके दौरान वो शिवलिंग के लेके चला और शिवलिंग के दौरान देख सकते हैं आप भूतनाथ मंदिर। कहाँ से हैं आप? शाहजहाँपुर। देखिए श्रद्धालुओं की कितनी गाता लगी है। और आपको बता दें, जब श्रीलंका को ले जाने के लिए शंकर जी को वो निकले और शिवलिंग की बात थी कि अगर आप वहाँ पर रखेंगे तो वहाँ नहीं, लेकिन इनको छोटी काशी पसंद आई और वो भगवान की महिमा थी। शंकर जी को कुछ ऐसी बुद्धि की रावण के, उनको लपशंका लग गई और वहीं पर स्थायी कर दिया। और यहाँ पर एक गाय चराने वाला, बकरी चराने वाला ग्वाल था, चराहा था, उसको चराहा को बुलाया और कहा कि अपनी शिवलिंग जो है पकड़ लो, मैं थोड़ा लपशंका हूँ। उसी शिवलिंग को भार बढ़ता गया और वो शिवलिंग गोला गोकर्णनाथ छोटी काशी में स्थित हुई। क्या कहना चाहते हैं आप? कहाँ से आए हैं? बिलझंडा से। आपने दर्शन किए? अभी करने जा रहे हैं। क्या है मानता, बता सकते हैं? मानता का अंदरूनी बात क्या बताएं आपको, कुछ बातें ऐसे नहीं बताने के। देखिए काफ़ी दूर दूर से लोग हैं। ये प्राचीन मंदिर है, लाखों करोड़ों पुराना मंदिर है, इसकी श्रद्धा काफ़ी दूरों से है और लोग, काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं और जैसे आप देख रहे हैं। और मैं आपको मंदिर भी दिखाना चाहता हूँ। गाय बकरी चराने वाला गाया था, चराहा था, उसको उन्होंने शिवलिंग दी, लेकिन शिवलिंग का भार उससे उठाया नहीं गया और उसने छोटी काशी में रख दिया और छोटी काशी में उनका घर बन गया। उन्हें बहुत अच्छा लगा छोटी काशी, फिर वो यहीं विराजित हो गए। क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये बहुत ही पावन धर्म स्थान है और यहाँ पर श्रद्धालु दूर दूर जगह दूर दूर से आते हैं, यहाँ पर मत्था टेकते हैं और मनोकामना उनकी पूरी होती है। बहुत ही सच्चा द्वार है इस भोलेनाथ का। यहाँ पर शिवलिंग रूप में भोलेनाथ ने जब वो ग्वाला, ये प्राचीन काल में ये कुछ कहानियाँ जो सुनी है उसके बारे में पता है आपको? उसके बारे में नहीं जानता हूँ मैं बहुत ही। भूतनाथ उसी में है और भूतनाथ इसी में मशहूर हुआ। और दरोगा साहब, इसमें कितनी भीड़ होगी लगभग समथिंग? हाँ भाई, तो हम नहीं बता सकते हैं कितनी भीड़। 50-60 हज़ार नहीं,
ये आकलन नहीं कर सकते हम। देखिए इनको आइडिया नहीं है, क्या नाम है आपका, राजकुमार जी, इनको आइडिया नहीं है। लगभग भीड़ देखी जा सकती है 50-60 से ऊपर नहीं हो सकती है, हमारा अनुमान है। और यहाँ पर वाजपेयी जी क्या कहना चाहते हैं आप? क्या बताइए इसके बाद मेला के बारे में जी? मेला बहुत अच्छा है भैया, बाबा की दया है, आराम से दर्शन सबको हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन भी पूरी मदद कर रहा है उसमें। और यहाँ पर हमारे मित्र जी भी है, मैं त्रिपाठी जी, और त्रिपाठी जी हमारे निरंतर काम कर रहे हैं। और मैं सर यादव जी बताइए कितनी भीड़ होगी लगभग? भीड़ की संख्या तो लगभग पिछले सोमवार जो होती लगभग उतनी ही थी। आज सुबह से हम लोग ड्यूटी पे हैं, भोर में 3 बजे से भीड़ बराबर लगातार इसी उसमें हमें दिखाई दे रही है। जो प्रशासन का कहना था 5 लाख भीड़, क्या वो भीड़ दिख रही है? लगभग में है, लगभग में भाई अभी है, अभी तो चली रही है, अभी इसकी क्या हम बता सकते हैं, अभी तो भीड़ चली रही है, देख ही रहे हैं आप। जी देखिए अभी मैं बात कर रहा था, उन्होंने जिस हिसाब से अंदाज से मुझे बताया कि भीड़ अभी समथिंग चली रही है। और मैं यहाँ पे कुछ लोग हैं रोहित, मैं उनसे भी पूछना था ना, ब्राह्मण और जे पंडित जी सो भी रहे हैं, जो इनसे मुझे थोड़ा कुछ पूछना है, लेकिन निंद व्यवस्था में है। पंडित जी, NM न्यूज़ की टीम आपको लाइव चला रही है, आप थोड़ा उठिए, थोड़ा इसके बारे में बता दिए, छोटूला गोकरणनाथ के बारे में वहाँ बताएंगे, वहाँ बता रही हैं और चौंकते हुए नज़र आ रहे हैं कैमरे के सामने, कुछ आप बताएंगे? नहीं बताइए। हाँ कि जो गरिमा है वो पूछनी है, और क्या कैसी कहानी के विषय में जो रावण वहाँ से लाया था और लंका को लेकर लिए, शिवलिंग को ले जाने के लिए, यहाँ पे कुछ लोग हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ। भूतनाथ की विशेषता बता रहा हूँ, जब रावण लेके आया था शिवलिंग को 12 साल तपस्या करने के बाद, तो आपको बता दें ग्वाला जो था, जो बकरी चराने और गाय चराने वाला था, ग्वाला था, चढ़ा था, उसने शिवलिंग को पकड़ा, लेकिन उसने भार को संभाल नहीं पाया, उसके दौरान वो छोटी काशी अपने भोले बाबा को यहाँ पे रख दिया। और इससे रावण जब लवशंका के बाद आया तो वो ग्वाला को रख डाल लिया और भागते भागते उसको वहाँ पे भागा, तो वो उसी कुएं में आके गिरा, इसी को कहते हैं भूतनाथ। और ये यहाँ पे पंडित जी हैं, मैं इनसे पूरी विशेषता पूछना चाहता हूँ। पंडित जी, जैसे प्राचीन कालों में कहा जाता है कि भूतनाथ की महिमा को लेके और रावण शिवलिंग को लाए थे, उस विषय में क्या कहना चाहते हैं, कैसे पड़ा? ऐसा है भैया, अपने यहाँ जो है बाबा का सिंह गड़ा है जी। एक बार महादेव जी अपने यहाँ उतरे अमरक रूप में जी, घूम रहे थे जी। तो विष्णु ने देखा कैलाश खाली पड़ा है जी। तो वो जब उतरे तो उन्होंने ग्वाला का रूप लिया जी। जिनका उन्होंने रूप लिया उस नाम के, उस सकल के ग्वाला, उसका नाम गोकरण था जी। वो यहाँ स्थान पर रहा करते थे जी। यहाँ पर आप मौजूद हैं, इस कुएं का पानी पीते थे जी। तब विष्णु जी ने ढूंढते ढूंढते जब देखा तो एक पेड़ के नीचे जो है रूपी 3 सिंह का हिरण बैठा आराम कर रहा है। तो वो ग्वाला के रूप में गए और सिंह को हाथ में रखा, तो जैसे बाबा की गर्दन घूमी वो सिंह टूट गया। जब सिंह टूट गया तो बाबा का जब विकराल रूप देखा तो 11 कदम के बाद विष्णु जी इस कुएं में गिर गए ग्वाला बनकर। ग्वाला बन के जी, वो चलाते थे गाय वगैरह बकरी, ग्वाला थे वो। ऐसा है, गोकरण जिनका रूप लिया था विष्णु जी ने, वो गाय चराते थे यहाँ। अच्छा अच्छा, उनका रूप लेकर जब वो गिर गए जी, जी। ठीक, फिर जब बाबा है तो इसमें से निकाला उस विष्णु द्वारा सिंह को वहाँ जो है जमीन में गड़वा दिया। और जब वो शाम को गोकरण, वो तो चले गए, जब गोकरण शाम को स्थान लौटे वो विष्णु के रूप थे। अब विष्णु जी गिरे वो तो चले गए, और जब शाम को गोकरण अपने स्थान पर लौटे तब लोग के आतो मर चुके हैं, भूत ने दिन में कुएं गिर गए जी। देखिए यहाँ पर पुजारी जी हमसे बात हुई तो उन्होंने कहा विष्णु जी के रूप में गोकरण, ग्वाला के रूप में गोकरण जो नाम पर लेकर रूप लेके आए थे, और वहाँ पर गाय भैंस चला रहे थे, उसी पर रावण आए थे, उन्हीं को शिवलिंग दिया था, लेकिन उनकी महिमा थी कि वहाँ पर छोटी काशी उन्हें पसंद आ गई थी, उसी में वहाँ पर हुए। और ये जो आप देख रहे हैं कुआं, 13 फीट के अंदर शिवलिंग है, 13 फीट ये कुआं 43 युग से सूखा है, जितना जल दूध चढ़ रहा है इसमें कुछ नहीं निकलता है, सिर्फ बेलपत्र के अलावा। मंगल को इसकी सफाई बुद्ध में होगी, हाँ तो जल नहीं निकलेगा, सिर्फ बेलपत्र ही निकलेगा। आप देख रहे कितना बढ़िया भव्य है। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ।
देखिए यहाँ पर भूतनाथ की विशेषता को पंडित जी ने किस हिसाब से बताया?